हेलो गाइस, इट्स योर श्रुति गोएगा एंड मायसेल्फ तुषार सिंह एंड यू आर वाचिंग D17। सो गाइस, आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और हम लोग ने आज सोचा है कि आज हम लोग माइलेज टेस्ट करेंगे। और हम लोग अभी माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। ये है एक्टिवा ओल्ड वेरिएंट। सो भी इसको मतलब 2008 की मॉडल है, तो अभी 1 ईयर तो पूरी ये बंद थी, तो अभी मैंने इसको रिस्टोरेशन किया है, तो अभी देखते हैं कि ये अभी आफ्टर रिस्टोरेशन कितना माइलेज देती है। अभी ये तो 2001 से तो चल रही है, पर अभी 1 ईयर तो बनती है, तो पूरा इसका काम क्या है। इसकी लास्ट वीडियो में आपको आपने देख लिया होगा इसका सिनेमेटिक शॉट्स और मैंने कैसे मॉडिफाई किया, सिंपल मॉडिफाइड किया है, तो मतलब नॉर्मल इसको पेंट किया है, इतना कुछ किया नहीं है इसमें, थोड़े बहुत पार्ट्स चेंज हुए हैं। तो अभी देखेंगे इसका कि मतलब आफ्टर दैट रिस्टोरेशन कितना माइलेज दे रही है। ऐसा है कि मतलब भाई गाड़ी तो बहुत पुरानी, क्योंकि 12 साल हो चुके हैं इसको, 2008 से चल रही है, काफ़ी मतलब रन हो चुका है गाड़ी, और 1 साल से तो बंद ही था। तो भाई ने इसको ओन किया है और काफ़ी काम भी किया है इसमें, आप लोगों को लास्ट वीडियो में देखने मिल जाएगा कि क्या क्या काम किया है इसमें। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई इतनी पुरानी गाड़ी है तो कितना माइलेज दे सकती है, तो आज की वीडियो में आपको वही देखने मिलेगा। तो अभी हम लोग 1 लीटर माइलेज टेस्ट करने वाले इसका और देखेंगे कितना चलता है, तो आपको एंड में रिजल्ट मिल ही जाएगा कि कितना चलता है। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधा वीडियो चालू करते और आपको रिजल्ट दिखाते हैं। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, अभी भाई इसमें 1 लीटर पेट्रोल पुट करने जा रहा है। तो आप देखो 1 लीटर पेट्रोल पूरा बाटली भर के आप देख सकते हैं, पूरा 1 लीटर है। तो अभी देखेंगे, देखिए गाइस, इतना ओल्ड गाड़ी है तो मतलब कितना का माइलेज दे सकती है। मुझे तो लगता है काफ़ी अच्छा माइलेज मिलना चाहिए हमें, क्योंकि भाई ओल्ड इज़ गोल्ड। तो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज, जैसे कि हम लोग ने अभी स्टार्ट किया था 183 पे, तो अभी हो गया 203, मीन्स अराउंड 20 किलोमीटर्स गाड़ी रन कर चुकी है। तो हम लोग बोथ टाइप ऑफ रोड्स पे गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने पहले हाईवे पे थे, तो और अभी हम लोग ज़रा थोड़ा सा स्ट्रीट रोड पे है जिसमें थोड़ी ट्रैफिक भी है। तो मतलब आपको दोनों का अच्छा खासा पता चल जाएगा कि मतलब कैसी गाड़ी चल रही है, क्योंकि सिर्फ अगर हाईवे पे होती है तो गाड़ी अच्छा सा एवरेज दे देती है, पर बहुत अगर रहेगी तो मतलब आपको थोड़ा सा कम मिल जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी अभी ओल्ड रजिस्ट्रेशन के बाद मतलब कितना माइलेज दे रही है। तो यही अभी हम लोग कंटिन्यू रहेगा। तो सो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज, हम लोग मतलब एक इकोनॉमी में ही गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 40-50 ऐसे ही गाड़ी चला रहे हैं, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा लो भी नहीं कर रहे हैं, मतलब जिससे कि आपको इकोनॉमी का जो स्पीड ऑफ रेट है आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितना से कितना दे रही है गाड़ी। और अच्छा खासा अभी हो गया, कितना 208 हो गया है, अभी 202 पे शायद से हम लोग ने लास्ट अपडेट किया था, तो अभी 208 हो चुका है, तो समथिंग 6 किलोमीटर और चल चुकी है गाड़ी। तो हमको मतलब लगता है ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी 30 से 35 का एवरेज तो देनी चाहिए फिलहाल, क्योंकि आफ्टर रजिस्ट्रेशन गाड़ी अभी बंद थी, तो शायद से एक हमारा एवरेज मतलब लगता है कि 35 तक तो देनी ही चाहिए गाड़ी, या उसके बाद में तो शायद से देगी गाड़ी 40 तक।
क्योंकि अपनी जो एक्टिवा है वो 45 तक दे देती है एवरेज, तो हमें लगता है शायद से 35 तो देनी चाहिए अभी फिलहाल के लिए, तो अभी देखते हैं कितना देती है गाड़ी, तो फिर देखते हैं। तो गाइज वेलकम बैक। तो गाइज अभी आप देख सकते हो कि 222 किलोमीटर हो चुका है, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि 30-35 चलेगी, तो अभी 35 किलोमीटर्स होके गए हैं और अब तक पेट्रोल मतलब अच्छा खासा बचा है, तो मतलब क्या मतलब इधर कितना तक चलेगी, शायद से आई थिंक सो 40 अप ही जाएगी, क्योंकि 35 तो किलोमीटर हम लोग का एक्सपेक्टेशन वो तो हो चुका है अभी, मीन्स अच्छा माइलेज दे रही आफ्टर रिस्टोरेशन से, तो मतलब एवरेज में कुछ जितना फ़र्क पड़ा नहीं है, शायद से फर्स्ट जो हमारी मतलब गाड़ी जो न्यू होती है तो 30 ये जो हमारी गाड़ी ओल्ड वर्जन वो 45 के आसपास देती है शायद से एवरेज, और ये भी शायद से अभी रजिस्ट्रेशन के बाद में भी लगता है 40 तक देगी, तो अभी देखते हैं कितना देती है हमें, तो देखेंगे लास्ट में कितना मिलता है हमें एवरेज। यार बहुत बोर हो चुका हो यार, मतलब सीरियसली इसका पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब भाई हम लोग ने 183 से चालू किया था, अभी लगभग है ना 227 किलोमीटर हो गया, मतलब भाई 44 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, बट भाई ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब भाई बहुत बोर हो रहा है यार, मतलब क्या भाई, मतलब बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि पेट्रोल ख़त्म हो जाए, हम लोग आपको फाइनल रिजल्ट बता दें, बट नहीं भाई ये बोल रहा है कि नहीं भाई इतना जल्दी मैं ख़त्म होने वाला हूँ नहीं, तो अभी बस चल ही रहा है, हम लोग बस घूम ही रहे, तो अभी देखेंगे भाई कब ये बंद होगी, कब हम आपको अब इसका एंड रिजल्ट बताएं, तो गाइस बने रहे हमारे साथ, स्टे ट्यून। तो गाइस 183.6 पे हम लोग की गाड़ी स्टार्ट की थी, तो अभी इसको माइनस करेंगे 231.3, तो हियर इज द रिजल्ट, 47 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी, मीन्स गाइस 12 ईयर ओल्ड और 47 मीन्स बहुत ही अच्छा एवरेज मिला है, हम लोग के एक्सपेक्टेशन 35 थे और अभी हम लोग को 47 एवरेज मिला। सो गाइज फाइनली मतलब हमें आपका ना फाइनल रिजल्ट मिल चुका है, जैसे कि आपने देखा रहेगा हम लोग ने कैलकुलेट किया, तो हम लोग ने कैलकुलेट किया तो सब लम तक आया 47.7 किलोमीटर, मतलब गाइज कितना मतलब भाई 12 साल पुरानी गाड़ी है ये, 12 साल पुरानी गाड़ी होके भी मतलब 47, भाई मेरी एक्टिवा 4GB उतनी माइलेज नहीं देती है जितना भाई इस गाड़ी ने दिया, हम लोग ने नॉर्मल स्पीड ही रखा था, मतलब हम लोग हाईवे और इकोनॉमी में ही चला रहे थे, 40-50 में हम लोग चला रहे थे, तो मतलब काफ़ी अच्छा माइलेज मिला है आपको पता है यार, मतलब बस हम लोग इतना कर रहे थे कि जैसे कि मतलब हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि 30 से 35 तक हम लोग का एक्सपेक्टेशन था, बट भाई गाड़ी उससे भी ज़्यादा चली, तो जैसे ही मतलब हम लोग तो बस भाई पेट्रोल पंप का शौक हो चुके थे, भाई ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, मतलब भाई काफ़ी बोर हो चुका है, मतलब भाई इतना ऐसा लग रहा है कि कब पेट्रोल ख़त्म हो रहा है बट भाई सीरियसली काफ़ी अच्छा माइलेज है, मतलब इतनी गाड़ी पुरानी होके भी और एक साल बंद भी थी ये गाड़ी, तो इतना पुराना होके भी मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इसका, पिकअप में भी काफ़ी स्मूथ है और हमें माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिला जैसे कि आपने देख ही चुके। सो गाइज मेहनत तो काफ़ी लगी यार, प्लीज़ ये वीडियो को आप ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए, प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें गाइस, आप सब्सक्राइब नहीं करते यार इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। सो गाइस आज की वीडियो को हम यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे, कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइस हमारे इस गाड़ी पे और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, सो गाइस स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।